जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रियलमी की तरफ से आने वाली इस रियलमी स्मार्ट स्केल के बारे में, और आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर दोस्तों, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। इसमें फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाता है, बैक में बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, बिल्ड क्वालिटी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। इसके साथ में दोस्तों इसमें आपको चार बैटरीज मिल जाती है AAA टाइप वाली, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसकी पावर के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे चार बैटरीज मिल जाती है, आपको अलग से बैटरीज बाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको फ्रंट में यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बैक में आपको कुछ चीज़ें मेंशन मिल जाती है, जैसे कि वोल्टेज वगैरह पावर सप्लाई के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको बैक में यहाँ पे चार ये बटन्स टाइप के कुछ मिलते हैं, वैसे तो ये इसके स्टैंड आप बोल सकते हो इसको रखने के लिए, तो आपको इसके फ्लैट सरफेस पर रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पर नहीं रखोगे तो ये जो बटन्स कुछ टाइप का लगता है तो ये प्रेस नहीं होंगे, और ये प्रेस नहीं होंगे दोस्तों अब जो आपका वेट मेजरमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो आपको इसे फ्लैट सरफेस पे ही रखना पड़ेगा। अगर फ्लैट सरफेस पे इसके नहीं रखोगे तो इसमें जो वेट है वो ओवरऑल पहले दिखाएगा, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए ये यूज़ किया गया, ताकि आप जो सही वेट मेजरमेंट के लिए इसको आप फ्लैट सरफेस पे ही रखो। तो ये आप चीज़ जरूर ध्यान रखना, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। अगर इसको आप ऊपर नीचे रखते हो सही से नहीं रखोगे तो ये आपका जो वेट है वो सही से मेज़र नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं मेजरमेंट के, 16 टाइप्स ऑफ आपको मेजरमेंट देखने को मिल जाती है। उन सब के बारे में आपको डिटेल से नहीं बताने वाला, क्योंकि वो सब चीज़ें आप वेबसाइट से पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो क्या कुछ आपको चाहिए उस हिसाब से। वेट मेजरमेंट को लेकर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे कम से कम आप 50 ग्राम वेट मेजरमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम आप इसमें 150 किलोग्राम यानी बोले तो 1.5 क्विंटल का वेट आप मेज़र कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका ये डाउट है तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इससे कोई भी चीज़ मेज़र कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ का वेट मेज़र कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि आपके स्मार्टफोन का वेट अगर आप मेज़र करना चाहें, या आपके घर पे कोई भी सामान पड़ा, फॉर एग्जांपल कोई जैसे आपके पास 1 किलो चीनी है, अगर आप उसका वेट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो आप इस स्केल से नहीं कर पाओगे। ये जो स्केल है दोस्तों ये स्पेशली है ह्यूमन बींग के लिए, यानी आप अपना वेट मेज़र कर सकते हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक्यूरेट है। बाकी कोई चीज़ें आप उसका वेट मेज़र तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको इसके ऊपर चढ़ के इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जल्दी से इस पर रख के कोई चीज़ वेट मेज़र कर सकते हो, जो कि ओवरऑल डे टू डे लाइफ में आप यूज़ नहीं कर पाओ, बार बार वो चीज़ आप नहीं कर सकते। ये एक्टिवेट तभी होता है जब आप इस पर खड़े होते हो, अदरवाइज ये दोस्तों को ढंग से काम नहीं करने वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ इस पर रख दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिली है दोस्तों, आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ही हुआ है या फिर जो भी इसको स्केल को यूज़ करता है उसके सबके साथ है। अगर आपके पास भी ये स्केल है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो देखो मेरे साथ ये हुआ है कि कई बार मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये सही से वेट है वो मेज़र कर देता है, बट कई बार ऐसा होता है जब मैं इसको यूज़ करता हूँ, इवन मैंने फ्लैट सरफेस पे ही यूज़ किया इसको हर बार, तो जब इस पे चढ़ के वेट मेज़र करते हैं दोस्तों तो ये गलत वेट बताता है, 5 से 10 किलो या इससे भी ज़्यादा कई बार कम वेट बता देता है। तो ये चीज़ मेरे को देखने को मिली, और एक बार नहीं कई बार देखने को मिली है। तो उस हिसाब से अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो वेट मेजरमेंट के मामले में मेरे को ये ज़्यादा सही नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस पे काम करना पड़ेगा, और कंपनी को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल वगैरह में अगर इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे वेट मेजरमेंट अगर ये इतना गलत बताएगा तो मुझे नहीं लगता ये फिर सही है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये 2000 रुपये में मिलता है, और ओवरऑल अगर प्राइसिंग के हिसाब से और इसके फीचर के हिसाब से मैं बताऊं तो कितने रुपए में आपको बाई करना चाहिए, क्या 2000 रुपये में ये वर्थ है या फिर इसे कम में बाई करना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, वो है इसके वेट मेजरमेंट की प्रॉब्लम को लेकर, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी 2000 रुपये में ये वर्थ नहीं है, आप कोशिश करना इसको सेल में बाई करने की, 1500 या फिर इससे नीचे में आपको मिल जाएगा, उस टाइम इसको बाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी डील रहेगी, काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी, आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी आपको बहुत सारे वेट मेजरमेंट के स्केल्स मिल जाते हैं कम प्राइसेज में, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, बस ध्यान रख लेना कि जो फीचर्स आपको चाहिए क्या वो उनमें मिलते हैं या फिर नहीं है। बाकी ये ठीक है, अच्छा है स्केल, बट इस पर रियलमी को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अभी भी। वेट मेजरमेंट की एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों तो वो काफ़ी सही लगी मेरे को, बट ये एग्जैक्ट नहीं बताता है, कई बार कुछ ग्राम्स का यहाँ पे डिफरेंस दे देता है, यानी अगर आप ये सोच रहे हो आपका वेट 50 किलो है तो वो पूरा एक्यूरेट नहीं बताएगा, जो बाकी जो वेट मेजरमेंट मशीन्स आती है प्रोडक्ट आते हैं उनमें बिल्कुल एक्यूरेट बताया, जैसे कि आप सुप्स वगैरह पे देखते हो जिसमें सामान तोलते हैं उसमें ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा इसके कंपैरिजन में, तो ये उतना एक्यूरेट तो नहीं है, कुछ ग्राम्स का इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये मैंने बहुत बार चेक की है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप कुछ हिसाब से इसको देखते हो और क्या इसे बाय करना पसंद करते हो या फिर नहीं है।